हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक सिंपल तरीके से और एक अलग तरीके से सूजी का केक। तो प्लीज, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, जो नहीं करे हैं तो कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो ये केक बनाने के लिए ये हमने 2 कप सूजी के लिए हैं और 2 कप ही दूध के लिए हैं। इसको आधा घंटा पहले हम भिगो के और रख दिए थे ताकि अच्छे से फूल सके। और आपके पास मोटी सूजी हो तो आप उसको फूलो के और फिर बाद में इसको ग्राइंड कर सकते हैं, या पहले भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा हमने ये 2 कप लिए है और इसी मात्रा से हम दूध लिए है 2 कप। तो चलिए इसको ग्राइंड करेंगे। ये मिक्सी का जार लिए हैं, इसमें ट्रांसफर करेंगे सूजी को। तो ये देखिए, हम ग्राइंड कर लिए हैं। तो ये हमने बैटर तैयार करने के लिए बाउल लिए हैं। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। ये हमने लिया है शक्कर का पाउडर। आप इसको मिक्सिंग पीस कर बारीक पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। और ये इसकी मात्रा हमने 2 कप सूजी लिए हैं, तो आधा कप से थोड़ा ज्यादा हमने इसमें शक्कर का पाउडर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच दही की। दही मीठा वाला लेना है, बिल्कुल भी खट्टा वाला नहीं लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हम अच्छे से इसको मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम वेनिला फ्लेवर की 1 चम्मच। तो ये देखिए, 1 चम्मच हम वेनिला फ्लेवर की ले लिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पनीर। पनीर आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको तुरंत में बना के और फिर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा हमने 1 कप की लिए है। सूजी की मात्रा हमने डबल ली है, तो उसका आधा हम पनीर लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मिक्स हो गया है। अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे सूजी का बैटर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसको 5 मिनट साइड में रखेंगे। तो ये देखिए, केक बनाने के लिए ये हमने कटोरा लिए हैं, इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। और ये लिए हम बटर पेपर, इसको भी ग्रीस करेंगे। तो ये केक हम आज नहीं कढ़ाई में बनाएंगे, नहीं कुकर में और नहीं ओवन में, आज हम इसको इडली मेकर वाले सांचे में बनाएंगे। तो चलिए इसको तैयार करेंगे। 5-10 मिनट के लिए इसको गर्म करेंगे पहले। तो इसमें सबसे पहले पानी ऐड करेंगे। ये इसकी नीचे जाली रखेंगे। आपके पास नहीं है इडली मेकर तो आप इसको कोई बगुनी में या किसी में भी बना सकते हैं पानी डाल के। अब इसको गैस पे रख देते हैं, हाई फ्लेम पे, अच्छी गर्म होने के लिए। इडली मेकर हमारा गरम हो रहा है, तब तक अब इसमें हम इनो ऐड करेंगे लास्ट में। ये हमने 1 चम्मच इनो के लिए है, इसको ऐड करेंगे। और इसमें 1 चम्मच हम दूध के ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। तो ये देखिए, इनो हम अच्छे से मिक्स कर लिए, इसको लास्ट में इनो को ऐड करना है। अब इसको बाउल में ट्रांसफर करेंगे, जो इसमें केक बनाएंगे उसमें। तो ये देखिए, ट्रांसफर कर लिए हैं, इसको अच्छे से हिला देंगे, ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे हम किशमिश। तो चलिए, अब इसको स्टीम से बेक करेंगे। तो ये देखिए, हमारी इडली का सांचा है जो गरम हो गया अच्छे से। तो
तो ये देखिए हम रख दिए हैं, अब इसको ढक्कन लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको। तो ये देखिए 5 मिनट हो गई है और अब इसमें इस स्टेज पे हमारे को ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से फूलने भी लगा है ये। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, अब इसको 10 मिनट के लिए और पकाना है। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुकी है, अब इसको दोबारा से चेक करेंगे पक गया है क्या। तो ये देखिए अच्छे से फूल भी गया है, तो एक चाकू से इसको देखेंगे, देखा पक गया है क्या। तो ये देखिए चाकू हमारा अच्छे से साफ निकलने लगा है, हल्का हल्का इसमें निकल रहा है। अब इसकी गैस बंद कर देंगे तो ऐसे ही ये इसकी गर्माहट से ही अच्छे से पक जाएगा और इसको 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे, तभी इसको छुएंगे नहीं तो बहुत तेज से गर्म है ये, हाथ जल सकता है आपका, बिल्कुल इसमें सावधानी बरतनी है आपको। तो गैस इसकी बंद कर देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गई है और ये ठंडा भी हो गया, अब इसको प्लेट में पलटाएंगे। तो पहले इससे चाकू से हम इसकी साइडों में से किनारे निकाल लेंगे। ये प्लेट लिए हैं, तो ये देखिए हम इसको पलटा लिए हैं और बहुत ही अच्छा स्पंजी बना है ये। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं। अब इसको कट करेंगे, तो चलिए अब इसको कट करेंगे। तो ये देखिए हम कट कर लिए हैं और हमारे सिंपल तरीके से केक बनाने की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।